पर श्रीनगर में एंट्री कर चुके हैं और एग्जिट भी कर दी। पराठे के साथ अचार और ये दही है, दूध है पानी के साथ, पता नहीं फटावा दूध क्या है, चटनी। भाई माई रानी के दर्शन हो गए। ओ भाई 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 भाई, अब असली पहाड़ी रास्ते स्टार्ट हुए भाई। हाइट बहुत ज़बरदस्त है भाई, बहुत ऊंची है, बहुत हाइट पे हम इस टाइम। और व्यू देखो क्या लग रहे हैं घर या लाइन वाइज, क्या ब्यूटी है वह। पीछे रास्ता ऐसा था, देखो हाथ मेरे लाल हो चुके, पूरे इतना टाइट पकड़ना पड़ रहा है हैंडल। भाई एक भाई लोगो एक प्रॉब्लम और आ गई, आसमान देखो। सो बंदो फाइनली सोनप्रयाग की पार्किंग में हम पहुंच गए हैं, गाड़ी स्टॉप पार्क कर दी है ये हमारी। हेलो बंधु, रोड ट्रिप टू केदारनाथ का स्वागत है। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 4 और हमें तैयारी में निकलने गए। रूम मिल गया था, ठीक ठाक था, तो काफ़ी हाई प्राइस में मिला। ये हमारे आरसी भाई, ये हमारे छोटे भैया, सब लोग तैयार हैं, लाइनें लगी हुई बड़ी बड़ी। लोग आ रहे थे भाई, बहुत लोग। चलो मिलते हैं नीचे आपसे। तो भाई वहाँ ऊपर था हमारा रूम, खाली करके चले आए हैं, भीड़ बहुत है, पता नहीं आगे क्या होगा। यहाँ हमें अपना सामान रखवा दिया चाय की तुस्ती मार के, और चल रही है हम यात्रा में। अब लेनी है डंडिया, तो महंगा बहुत कर रखा भाई यहाँ पे, गिरे गए भाव भी गिरी चीज़ें। तो भाई लाइन पर चले हुए कैब के लिए जा रहे हैं जो हमें गौरीकुंड छोड़ेगी, मगर लाइन इतनी बड़ी है और जो नींद के थपेड़े आ रहे हैं ना मेरे को भाई साहब, मैं जानता हूँ। अब जब थोड़ी देर में शरीर एक्टिव नहीं होएगा तब तक आराम नहीं आने का। लाइन बहुत लंबी, आधा घंटा तो हो चुका है हमें सुबह उगने की तैयारी में। सो बंधुओं फाइनली गौरीकुंड के पास हम आ गए हैं। केदारनाथ का फुट ट्रैक है 16 किलोमीटर। एक मिनट कैमरा मैं साफ करूं। तो केदारनाथ का डिस्टेंस है यहाँ से 16 किलोमीटर, जो कि लिखने में 16 किलोमीटर है बट एक्चुअल में कितना होगा तो चल के पता लगेगा। भाई रश देखिए, अपने आप को चैलेंज दो इसमें एक बार, हाँ? अपने आप को चैलेंज दो, दूंगा पर ना तेरे को डर नहीं लगता भाई हमारे साथ जो भाई को चैलेंज है आज, भाई को चैलेंज है तो पहले बताओ चढ़ लोगे? हाँ भाई, तो जाएगा नहीं भाई इतना वजन ना है भाई तुम तो ऐसे कर रहे हो भाई। तो भाई हंसी बजा पार्ट, तो यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, हर हर महादेव करते हैं, को सुनते हैं। जो है भूले अतन नहीं चढ़वाना है भाई, मजा आ रहा तो भाई कुछ भी रहो है गजब। चलो भाई लेट्स स्टार्ट दी ट्रैक, अहर महादेव। सामने देखो सामने अच्छा जा रहे हैं भाई, सब पहाड़ पर चढ़ के आगे जाना है हमें। गौरीकुंड कहते हैं, गौरीकुंड शायद यही है बगल में, दिखाते एक बार देखते यही है, देख के तो लग नहीं रहा। चलो आगे देखते हैं, करते ट्रैक स्टार्ट। तो भाई गौरीकुंड के मौज ले रहे लोग नहाने में व्यस्त है, पानी इतना काला कर रहा है क्या बताएं। लोगों को नहाने में जा रहा, ठंडा ठंडा पानी में कैसे नहा रहे भाई, हिम्मत है, हम भी नहाएंगे आके, हमारे में भी हिम्मत आ जाए। गर्म पानी है
गर्म पानी है, वाह गौरीकुंड का। अच्छा जी, गर्म होता है। बढ़िया भाई, गर्म पानी। चलो भाई, चाय एकदम खड़ी है सीधी भाई। पालकी में भी जा सकते हो, घोड़ा भी है, हाथी भी है, गधा भी है, खच्चर भी है, सब कुछ है भाई। हम तो भाई सीढ़ियाँ खड़ेंगे भाई। 5.5-6 किलोमीटर कवर कर चुके हैं हम, यहाँ पे आके बैठे हैं। यहाँ क्या झरना है, अभी इसका बढ़िया सा व्यू दिखाऊंगा आपको। अभी बढ़िया सा व्यू दिखाता हूँ भाई। हालत होगी खस्ता, पैर देने लगे जवाब, लेकिन मज़ा पूरा आ रहा है। ओ भाई क्या बोले, क्या हालत हो गई है। सामने देखो चोटी, चढ़ते जानी फिर वो पहाड़ी दिख रही है ना बर्फ की, उसे क्रॉस करना है। यहाँ ये झरना बड़ा अच्छा लग रहा था तो मैं रुक गया, टक्कर मार के मेरा कैमरा मत गिरवा देना भाई। क्या व्यू है भाई, ये पानी जा रहा है बहुत ही भाई। जितना मज़ा आ रहा है, तकलीफ हो रही है उतना ही मज़ा आ रहा है, गजब। मेरा भाई कहाँ पहुँच गया हो रहा, और सामने फ़ोन चला रहा ऊपर, तेरा फ़ोन चला रहा है, वहाँ पहुँच गया है। हमारे आरसी भाई और हमारे क्लच प्लेट हो गई है टाइट, गर्म हो गई है, थोड़ा क्लच प्लेट को रेस्ट देना पड़ेगा भाई। खाने के रुके हुए थे हम, अगर दो भाई मिले हमारे आ रहे हैं, बता रहे हैं बहुत महंगा है हमारा। अरे भाई क्वालिटी देख लो, इसकी अच्छी है। आ जाओ भाई। अरे भाई देखो भाई, ओले करने लगे हैं यहाँ तो। चाय आ गई हमारी, गर्मा गर्म चाय की चुस्की भाई। क्या गिर रहे ओले, अभी और गिरेंगे। बारिश आ गई है, गाना वहाँ नदिया पार है, गाड़ियाँ ही फंसी हैं। ओले क्या गिर रहे हैं भाई, बारिश खतरनाक, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज हवा, सुन सकते हो आप। गाना हमें बहुत दूर है, यहीं फंसे हुए हैं बारिश की वजह से, पता नहीं जा पाएंगे आज। लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो गई है ट्रैक, बारिश हुआ था, पता नहीं कैसे कवर करेंगे, नहीं पता। लेट्स सी, देखते हैं आगे कैसा होता है। अब थोड़ी देर वेट ही करेंगे चाय की चुस्कियाँ मार के भाई। क्या बताऊँ, हालत खस्ता होगी। ये रास्ता नीचे जा रहा है ना, ऐसे था हम भाई, शॉर्टकट मार के ऐसे आए हैं। ये शॉर्टकट में ताकत तो लगी है, लेकिन ये इतना नहीं चलना पड़ेगा, सांस लेके आराम से यहाँ से ऊपर निकल जाएंगे। हमें तो उससे ऊपर भी जाना है वो भाई, कसम से क्या बताऊँ। अब चढ़ाई चालू करते हैं यहाँ से भाई, ये लग रही आसान है, लेकिन बस हाँ थोड़ा तो रिलीफ मिलेगा ही। चिकना रास्ता है, पानी गिरा हुआ है,
ये राहुल भाई हमारे तेज हैं, आगे निकल गए भाई। राहुल भाई देखो कहाँ से चढ़ रहे हैं, भाई आसान नहीं है चढ़ना लग रहा है, लेकिन सीट के नट बोल्ट ढीले हो गए। ओ भाई चढ़ गए, अब हम चले भाई, मिलते हैं आगे, कैमरा करते बंद। भाई पता नहीं कितना ट्रैक करके आ चुके हैं, कितना बाकी कोई नहीं जानता। पीछे सबसे लास्ट में पहाड़ियां दिख रही है ना, उसके पीछे से भी आ रहे हैं हम, चढ़ते चढ़ते गहराई देखो, मतलब इस टाइम हम 3000 फुट से ऊपर की ऊंचाई पे हैं, या उसके आसपास की। अब ये देखो सबसे बड़ी चीज मुझे लगी ये पर्वत, भाई साहब ऐसा लगता है माउंट कैलाश सेम उसी शेप में बना हुआ है। अब हमें यहाँ से जाना है चढ़ के, यहाँ से फिर ऊपर चढ़ेंगे, ये बीच में से शॉर्टकट रास्ता जा रहा है ऊपर, हम यहाँ से जाएंगे लंबा पड़ेगा तो हम इस शॉर्टकट रास्ते जाएंगे, और फिर ये ऊपर दिख रही लाइनिंग, यहाँ से फिर हेलीपैड दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बस हमें इतना चढ़ना है और फिर हमारी मंजिल थोड़ी सी दूर रह जाएगी। बाकी ये रास्ता सामने ही नीचे उतर के सारी ऊपर खड़ी चढ़ाई है ऐसे, बाकी हालत ऐसी हो चुकी है क्या बताए। राहुल भाई क्लच प्लेट ढीली है भाई, ओवर ओवर हो गया। ये सबसे अच्छा लगा मुझे माउंट कैलाश जैसी फील पूरे पर्वत में आ रही है, प्लेटें गर्म हो गई है पूरी। चलो अब बस निकलते हैं, चलो हर हर महादेव, हर महादेव, बस हर हर महादेव करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, पहाड़ पहाड़ चढ़ते जाओ, बहुत गजब है। ना करवाते कोई बात नहीं, चलो मिलते आगे, बहुत खतरनाक चढ़ाई है भाई। लेकिन कहाँ ऊपर से हम आए हैं शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में, भाई वहाँ से नदी का झरना बह रहा है और हमको ये खंभा दिख रहा है ना, इस टॉप पे जाना है, शॉर्टकट मारा लेकिन चढ़ाई देखो यार, घोड़े घिस जाएंगे हमारे, बढ़िया वाले आखिरी चढ़ाई है चढ़ी, तो फिर तो नॉर्मल है, फिर तो बाबा के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, बट अभी ये चढ़ाई भाई बहुत अच्छी है, वही करेंगे ऐसे तैसे। चलो चढ़ते से वक्त बताएंगे हमारी कैसी हालत हो रही है। भाई साहब क्या बताएं, जन्नत है, जन्नत तो है, व्यू तो अल्टीमेट है यहाँ पे, बीच में ये देखो तो पहाड़ है सामने, वो छोटी इतना बड़ा पहाड़ है भाई, ये झाड़ियाँ शॉर्टकट मारने के चक्कर में। चलो चलते थोड़ा आगे, फंस गए पहाड़ी के बीच में, बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ रही है भाई, अंधेरा होने लगा है, सामने बारिश के बादल बन रहे हैं, बस बरसात ना हो जाए इसकी टेंशन होगी मुझे तो। भाई साहब बहुत ऊपर आ गए,